है नाचना है मेरा दाना है पानी है नाचना मैं शब्द हूँ तो तूफानी है नाचना मैं राजा हूँ मेरी रानी है नाचना नाचना मेरा सम्मान है नाचना तीर से छूटा कमान है नाचना मेरा धर्म और ईमान है नाचना एक ही मेरा भगवान है नाचना। मुंबई जोगेश्वरीवरून मी सुशांत पुजारी। तर अर्धे मित्र तर आपले अभ्यास करून डॉक्टर बनले, अर्धे इंजिनियर बनले आणि अर्धे ड्रायव्हर आणि अर्धे बॉडी बिल्डर बनले, पर अपना लाईफ मे फंडा अलग था, कुछ तो अलग करने का था, पर क्या करने का था ये पता नहीं था। हाँ, पर पप्पा के पान की दुकान में नहीं बैठने का था, ये अपने को पता था। पहला बार अपॉर्चुनिटी डांस किया था, उसको बहुत बख्शिश मिला था। बचपन से डांस करता था, वो पप्पा को इतना पसंद नहीं था, पप्पा चिल्लाते थे पढ़ाई कर करके। अपनी डांसिंग की शुरुआत गणपति से हुई। गणेश उत्सव में हमेशा मैं डांसिंग करता था, मतलब स्टेज शो होता था तभी वहाँ पे जाता था, और हमेशा चुप चुप के जाता था। अम्मा हमेशा सपोर्ट करती थी क्योंकि अम्मा के लिए मैं अम्मा का गोविंदा ही था। वन ऑफ द विसर्जन ही वाज डांसिंग, वहाँ से तो मेरे नज़र में आया। एंड देन गणपति बप्पा, उसका और मेरा ऐसा कनेक्शन है कि जब भी हम लोगों ने कोई फिल्म की है वहाँ पे एक गणपति गाना होता ही है। सपना देखना किसको पसंद नहीं है, क्योंकि सपना तो फ्री में देखा जा सकता है, बट डांसिंग और बैकग्राउंड डांसर बनना वो फ्री में नहीं हो सकता, उसके लिए पैसा लगता है। मेरा डांसिंग का जो सपना था उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने सब कुछ काम कर लिया। मैं पान की दुकान में काम किया पापा के, तो वो मुझे तभी पैसे देते थे। मैं बिस्लरी बॉटल बेचा हूँ सिग्नल पे, एंड कुरियर बॉय में काम किया है, वापस धागा कटिंग की है। तो मेरे डैडी ने सोचा कि इतना स्ट्रगल कर रहा है, तो मेरे डैडी ने फर्स्ट टाइम तभी मेरे को सपोर्ट किया। वो तो एक बार बॉलीवुड में ऐसा ट्रेंड आ गया था कि बॉडी बिल्डर डांसर्स चाहिए था, तो मैंने बॉडी बना लिया। तो बाद में ऐसा ट्रेंड आया कि टैटू वाले डांसर्स चाहिए, तो मैंने टैटू बना लिया। अभी बाद में बीच में ऐसा ट्रेंड आया कि कुछ भी नहीं चाहिए, फिर क्या, फिर मैं तो अटक गया। बैकग्राउंड डांसिंग को इज्जत तो दे नहीं रहते, ऐसा ट्रीट करते थे, चिल्लाते थे, गाली देते थे सेट पे। मुझे ऐसा लग रहा था मैं क्या करूँ, मुझे ऑब्वियसली ये फील्ड में ही कुछ तो करने का था। उसकी कहानी मेरी कहानी बहुत मिलती जुलती है। मैंने भी आया था जब, तो मैं बैकग्राउंड डांसर था। बार बार मुझसे ये बोलता था कि यार बैकग्राउंड डांसर का और क्या हो सकता है लाइफ में, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। देन ABCD वन हैपन एंड मैंने कहा कि तू एक्टर है। सो वहाँ से उसकी मैंने जर्नी देखी है, एंड उसकी जर्नी बहुत ही कमाल है। रेमो मेरे लिए भगवान। आज मैं जो कुछ भी हूँ, या डांसर हूँ या एक्टर भी हूँ, तो सिर्फ रेमो की वजह से, अदरवाइज सुशांत नहीं रहता था। From my beginning, from student of the year, when I did Disco Diwane का song, that's when I met Sushant. Sushant मुझे train कर रहा था। जिस तरीके से वो नाचता है, मैं भी उसी तरीके से नाचता हूँ। We both have that same blast off kind of energy to dance. और उस वक्त बहुत दोस्ती हो गए। In fact, Sushant was the one who recommended me to Remo sir for ABCD. दोस्त, भाई, talented, underrated, romantic, naughty, जोगेश्वरी का भाई है वो। So she has a very, very enduring childlike quality, and he's extremely jovial and fun, you know, when he's also really focused. He's an amazing, amazing husband and really good father. Sushant hamara wadi ka shaan hai. Abhi next sapna bole to Shahrukh Khan banne ka, kyunki sapne dekhne ke paise nahi lagte. To dekho sapne. नाचना मेरा सम्मान है नाचना तीर से छूटा कमान है नाचना मेरा धर्म और ईमान है नाचना एक ही मेरा भगवान है नाचना एक ही मेरा भगवान है।